एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं सिखा आपका अपने यूट्यूब चैनल इंडियन ब्लॉगर सिखा में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। तो गाइज, आज का जो वीडियो है वो एक ब्लॉग है और मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपना मायका ब्लॉग। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो मैं आपको बता दूँ कि आप देख रहे हो चैनल इंडियन ब्लॉगर सिखा, जहाँ हम बात करते हैं ऑनलाइन रिव्यू, जितने भी प्रोडक्ट मैं खरीदती हूँ उसके रिव्यू करती हूँ इस चैनल पे, अपना छोटा सा चिट चैट, पर्सनल चिट चैट या फिर अपना छोटा सा ब्लॉग शेयर करती हूँ। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। तो इस ब्लॉग में मैं शेयर करने वाली हूँ जो जब बिहार में बहू ससुराल से मायके जाती है तो किस तरह के रिचुअल्स निभाए जाते हैं। तो आप लोगों को सारा जो मेरा पैकिंग से लेकर शॉपिंग से लेकर विदाई तक का जो क्लिप है वो देखने को मिलेगा। तो आई होप आप लोग इन्जॉय करोगे इस वीडियो को और बिहार के जो रिचुअल्स हैं उसे इन्जॉय करोगे। तो अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे एक लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आप लोग मेरे वीडियो को एंजॉय करिए, मेरे छोटे छोटे क्लिप को एंजॉय करिए। मैं मिलती हूँ आप लोगों से इस क्लिप के बाद। यहाँ साड़ियों का दुकान लेके बैठी है मेरी सिस्टर इन लॉ। वाह, नहीं रे सालू, अच्छा लग रहा है देख। ये शालिनी शर्मा का साड़ी है जो उनको बहुत डाउट हो रहा है साड़ी में कि इसका कलर ज्यादा ब्राइट है, तो वही बार बार पूछ रही है चेंज करा दूं चेंज करा दूं। और ये है मेरी साड़ी, मैंने भी पूरा दुल्हन कंपटीशन कर लिया है सालू से। रेसू, अब रेसू बताएंगे कि साड़ी कैसी है, इनको क्या हुआ। मैं कर रही हूँ पैकिंग क्योंकि मैं जा रही हूँ मायके और मैं बहुत खुश हूँ। और बिहाइंड द कैमरा जो बैठी है वो बहुत उदास है, लेकिन मुझे इनकी उदासी के बारे में नहीं पता कि ये मेरे लिए उदास है या अपने भतीजे के लिए। तो मैं फटाफट करती हूँ पैकिंग। तो बताओ रेसू, तुम किस लिए उदास हो? मैं जा रही हूँ इसलिए या पुल्लू जा रहा है इसलिए? ज्यादा पुल्लू जा रहा है इसलिए, तभी मैं खुश हूँ। मेरे लिए कोई उदासी नहीं है। नहीं, तो आपके लिए भी है। नहीं नहीं नहीं, तो ये देखो मैं कर रही हूँ पैकिंग। तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से तैयार होने के बाद। बाय बाय। देखिए कितनी सारी चीजें लेके जा रही हूँ। वन वीक के लिए मैं इतनी चीजें लेके जा रही हूँ, सिर्फ वन वीक। ये एक्सटेंड भी हो सकता है, दैट्स व्हाई मैंने इतनी पैकिंग की है। तो मैं अभी किचन में मैं बना रही हूँ पाव भाजी अपनी प्यारी ननद लोग के लिए। इनका डिमांड था कि मैं इनको पाव भाजी खिलाते जाऊँ, तो देखिए मैं बना रही हूँ पाव भाजी। ये देखिए मेरे भाभी का पाव भाजी रेडी हो चुका है एंड अभी और रेडी हो रहा है। हम लोग आपको इसका टेस्ट खाने के बाद बताएंगे कि कैसा है। वैसे अच्छे रहने की तो बहुत कम ही उम्मीद है। ये लड़की बहुत बदमाश है, मैं अच्छा बनाऊंगी पक्का, तुम खा के देखो बस। असली ननद का रोल अदा करती है। हाँ बताइए आप लोग, ये कैसा बना है? ये बहुत टेस्टी बना है। अच्छा आंटी, ये कैसा बना है? आंटी को शायद पसंद नहीं आया, आपको कैसा लगा? अच्छा अच्छा लगा है, ठीक है। अरे लावण के हैं जाते हुए सिखा शर्मा। देखो मैं कैसे लग रही हूँ, ये मेरा अच्छी जो कि अभी भी श्योर नहीं है कि जाना है कि नहीं। ये देखिए भाभी के जाने की फाइनल टचिंग हो रही है।
पाव है, देखो देखो ना मम्मा चल रही है बेटा। अभी घी देके रुकते ही ना। अब पुल्लू तुम कहाँ जा रहे हो? पुल्लू तुम कहाँ जा रहे हो? मामा बोले था दूध पीने नहीं था लेके मामा बोले अच्छा नहीं 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 पुलु नहीं लाएगा आप मैं छाती नहीं तो पाया बोल दो पीछे नहीं हाथ के पास पैर के पास पीछे ना आएगा ना हाँ आगे होने से रखना नहीं रखना पीछे नहीं कोई नहीं है अभी जाइए ठीक है चलो बैठो चलो गाड़ी को ना चलो जा चलो चलो तो बैठो बैठो चुप चलो तो खिड़की पे उस वाले पे बाय पुल्लू बाय पुल्लू पुल्लू बाय आप अभी जाऊँ खुशी रहा तो सोना सोना न देखत छब्बीस के अब इनकी चले अब ऐसे तो काली की सब साथे देवी फिर तो गाड़ी कर लेते हैं अब ऐसे कोई अप्रोच मिलता है तो मिलता है कुछ करते हैं सुनो ना मम्मी ये कैसे बाय पुलू बाय जाय था ना जाय था ना छोड़ के फोन पर बताते दोपहर के 12 और पुल्लू सो रहा है और मैं अभी नहावा के आई हूँ काफी फ्रेश फील कर रही हूँ क्योंकि कल रास्ते में काफी हेक्टिक जर्नी थी। एक्चुअली मेरा मायका और ससुराल बहुत ज्यादा दूर नहीं है मतलब आप लगा लो कि 2 घंटे भी नहीं लगते अगर सही से आपको ट्रैफिक ना मिले तो। लेकिन कल जो हुआ वो 2 प्रॉब्लम हो गई, एक तो हमें काफी ट्रैफिक मिल गया तो 2 घंटे के बजाय हमें 3 घंटे लग गए आने में। और पुल्लू की रास्ते में थोड़ी सी तबीयत उसे ऐसे डिटी जैसा लग रहा था, उसने वोमिट भी कर दिया रास्ते में तो थोड़ा सा हमारे लिए वो प्रॉब्लम हो गया, बार बार में गाड़ी रोकनी पड़ रही थी। तो चलो बाकी अब तो वो बिल्कुल ठीक है और सो रहा है, ये सबसे बेस्ट है। तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा आप लोगों से बात किया जाए और आप लोगों को अपडेट दिया जाए। तो मैं देखो मायका आने के बाद एक अलग सी खुशी होती है ऐसा मेरा ससुराल बहुत अच्छा है, बहुत प्यार करते हैं सारे लोग और मेरा भी वहाँ बहुत मन लगता है, ऐसा नहीं है कि इनफैक्ट मेरे मायके वाले तो ये बोलते हैं इसका आने का मन ही नहीं होता क्योंकि अभी मैं मुझे लगता है मैं बहुत दिनों बाद आई हूँ 2 साल हाँ मुझे 2 साल हो गए, मैं 2 साल नहीं लेकिन 1.5 साल तो हो गए होंगे। मैं पिछली बार गई थी यहाँ से जून जुलाई में, उसके बाद अभी आई हूँ मैम, 1.5 साल हो गए मुझे।
तो मैं ज्यादा नहीं आती क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता। अब दिल्ली से आती हूँ तो थोड़ा दिन पटना रहना होता है, उसके बाद मौका मिला तो इधर आई, नहीं तो वापस लौट के उधर से। तो सब लोग उदास थे वहां पे भी, दादी जी हैं, सासू मॉम है, सारी ननद लोग हैं, सब उदास थे, मुझे भी लेके और पुल्लू को भी लेके। पर मैं तो खुश थी क्योंकि मुझे मायके आना था। और जो अभी मैं यहाँ पे हूँ 10-12 दिन, तो आप लोगों को मेरा मायके का ही ब्लॉग देखने को मिलेगा 10-12 दिन। और अभी मैं सोच रही हूँ थोड़ा मार्केट जाने का, क्योंकि मायके और मार्केट ना जाओ तो पूरा ही नहीं होता मायके आना, क्योंकि यहाँ पे ही आपने बचपन से बहुत बड़े तक सब कुछ खरीदा है, सब कुछ देखा है। तो मैं सोच रही हूँ कि मम्मी के साथ जाके अभी थोड़ा सा घूम के आती हूँ, और यहाँ पे सब लोग हैं तो कुल्लू रह लेता है सबके साथ, तो मैं थोड़ा सा जब फटाफट जाऊँगी घूम घाम, क्योंकि पास में ही मार्केट है, मार्केट में ही घर है, ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट पैदल ही रास्ता है, कोई गाड़ी की भी ज़रूरत नहीं है। तो मैं सोच रही हूँ मम्मी के साथ हो ही आऊँ, देख ही आऊँ सब कुछ, कुछ विंटर का नया आया है कि नहीं, क्योंकि मैं ज़्यादा विंटर के कपड़े वपड़े लेके आई नहीं हूँ यहाँ पे, क्योंकि मेरा प्लान था नवंबर लास्ट में लौट जाने का, पर मैं उसे थोड़ा एक्सटेंड करना चाहती हूँ, क्योंकि अब यहाँ आने के बाद मन ही नहीं करता यार इतना जल्दी वापस जाने का। 1.5 साल बाद आई हूँ मैं, तो कम से कम 2-3 हफ्ते तो लगा के जाऊँगी। तो देखती हूँ, आप लोगों को अपडेट दूंगी अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, क्योंकि आज का ब्लॉग मैं एंड कर रही हूँ, एडिट करना है मुझे इस ब्लॉग को, लंबा हो जाता है फिर ब्लॉग ज़्यादा। मैं सोचती हूँ 10-12 मिनट का ही ब्लॉग करूँ, ज़्यादा देर देखना किसी को पसंद नहीं है। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, आज के लिए इतना ही, और मुझे इजाज़त दें आज के लिए, और जितना हो सके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और आगे का अपडेट देखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मैं वीडियो अपलोड करूं और आप लोग तक पहुंच जाए। और अभी अभी मैंने एक वीडियो शूट किया है ब्राइडल ज्वेलरी का, जो अब मेरे चैनल पे आज ही आ जाएगा, तो जाइए फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बहुत अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिलेंगे। तो मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, आज के लिए मुझे इजाज़त दें, बाय बाय।